तो नाउ क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड एंड फोर्थ। तो को ट्रांसडक्शन हमें देखना है, तो फर्स्ट में देखते हैं गैल के साथ प्लस में आर्जिनिन है, ओके okay? यानी कि गैल और आर्जिनिन ये साथ में को ट्रांसडक्शन ट्रांसड्यूस हो रहे हैं, तो गैल आर्जिनिन। ये पास में होंगे, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, देयर फॉर दे ट्रांसड्यूस टूगेदर। तो गैल एंड आर्जिनिन प्लस में है, देन सेकेंड गैल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस में है, यानी कि गैल आर नियरर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से अपना एक ऑर्डर बना लेते हैं। सेकेंड ल्यूसीन इज नियरर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, तरीके से बना लेते हैं ल्यूसीन इज को ट्रांसड्यूस विद एसटीआर एंड मैथ्यूनिन MET। तो सेकेंड के अकॉर्डिंग ल्यूसीन एसटीआर और MET के साथ जा रहा है, बट अब आर्जिनिन के केस देखते हैं, थर्ड का केस। तो थर्ड के केस में कुछ भी डिटरमाइंड नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि आर्जिनिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन को ट्रांसड्यूस नहीं हो रहा है थर्ड के केस में। इसका मतलब कि आर्जिनिन आर फार फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर थर्ड का केस देखें तो आर्जिनिन कहीं यहां पर है और स्ट्रेप्टोमाइसिन कहीं यहां पर होगा, तभी ये एक दूसरे के पास या साथ नहीं जा रहे हैं, इनको ट्रांसड्यूस नहीं हो रहे हैं। फोर्थ के केस में देखते हैं, यहां स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नियरर टू ल्यूसीन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर फोर्थ का डायग्राम बनाना चाहे तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को इधर ही रखते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नियरर टू ल्यूसीन। तो हमारे चार डायग्राम बने जो हमने इसके अकॉर्डिंग बनाए, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और आर्जिनिन ये नहीं शो हो रहा है जो कि इसमें दिख रहा है हमें, ओके। दूसरी चीज ये कि ल्यूसीन के साथ गैल नहीं दिख रहा है। तो अगर हम पहला डायग्राम देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ हमने गैल बनाया है, ओके। और दूसरा फोर्थ वाला देखें तो हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ल्यूसीन बनाया हुआ है, ओके। लेकिन गैल के साथ, ये जो गैल है इसके साथ ल्यूसीन नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये इसके साथ गैल यहां पर कहीं होना चाहिए, ये इधर तो नहीं हो सकता, मतलब लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड होता तो फिर तो ल्यूसीन के पास हो जाता, और हम देख रहे हैं कि ल्यूसीन के साथ तो गैल जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि इसको ल्यूसीन से दूर रखना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के बगल में रखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ तो गैल जा ही रहा है, ओके। फिर हम देखते हैं कि जो आर्जिनिन है इट इज नॉट फाउंड विद स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ नहीं जा रहा है, ओके। बट आर्जिनिन किसके साथ जा रहा है, गैल के साथ जा रहा है। तो यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ नहीं जा रहा है, गैल के साथ जा रहा है, यानी कि गैल के इधर होना चाहिए ये आर्जिनिन, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो आर्जिनिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ नहीं दिख रहा है, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन आर्जिनिन के साथ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि आर्जिनिन स्ट्रेप्टोमाइसिन से दूर है, ओके। तो इसलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन
के साथ आर्जिनिन को नहीं रख सकते, इसको हमेशा गैल के पास में ही रखेंगे क्योंकि गैल के साथ तो जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑल दीज रिजल्ट हमारा जो लास्ट वाला है ये ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि ल्यूसीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, गैल और आर्जिनिन। और अगर इसको कंपेयर कर ले तो हम कंपेयर इस तरीके से करेंगे कि आर्जिनिन के साथ गैल जा रहा है तो आर्जिनिन और गैल साथ में होने चाहिए तो वो है। फिर आर्जिनिन के सॉरी गैल के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन जा रहा है, ठीक है, तो गैल और स्ट्रेप्टोमाइसिन साथ में है, ओके। तीसरी चीज कि ल्यूसीन के साथ गैल नहीं जा रहा है तो ल्यूसीन और गैल एक दूसरे से दूर है। फिर गैल के साथ मेथियोनिन नहीं जा रहा है, यानी कि मेथियोनिन और दूर होगा, यहां पर कहीं पर मेथियोनिन होना चाहिए। फिर सेकंड का केस देख लेते हैं कि हमें ये तो नॉट डिटरमाइंड है, नॉट डिटरमाइंड को तो हम एनालाइज ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ ही देते हैं। हम देखते हैं ल्यूसीन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन जा रहा है तो ल्यूसीन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ल्यूसीन के साथ मेथियोनिन जा रहा है तो ल्यूसीन के साथ मेथियोनिन भी है, ओके। तो सेकंड वाला भी कंफर्म हो गया। थर्ड देखते हैं कि आर्जिनिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होना चाहिए, यानी कि दूर होना चाहिए, तो आर्जिनिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन दूर है। अब फोर्थ केस देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ आर्जिनिन नहीं होना चाहिए, सेम दूर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ल्यूसीन होना चाहिए, नियरर होना चाहिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ल्यूसीन है। तो ऑर्डर क्या हुआ, या तो आर्जिनिन गैल स्ट्रेप्टोमाइसिन ल्यूसीन मेट होगा, या फिर मेट ल्यूसीन स्ट्रेप्टोमाइसिन गैल, या इस ऑर्डर में होने चाहिए। तो ऑर्डर देख लेते हैं हम क्या है। तो पहले हम इधर देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन गैल ल्यूसीन, ये गलत है क्योंकि ल्यूसीन जो है वो गैल के पास नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, ल्यूसीन मेथ आर्जिनिन स्ट्रेप्टो और फिर गैल, ये भी नहीं होगा क्योंकि आर्जिनिन के केस में आर्जिनिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन साथ में नहीं होने चाहिए। ये देखिए थर्ड वाले केस में देखिए आप, आर्जिनिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होने चाहिए, इसलिए सेकंड भी नहीं होगा ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, ल्यूसीन स्ट्रेप्टोमाइसिन मेथियोनिन गैल और आर्जिनिन, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ल्यूसीन के साथ सॉरी मेथियोनिन के साथ गैल नहीं होगा। देखिए आप यहां पर फर्स्ट वाला केस, गैल के साथ मेथियोनिन नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ही बचा, तो फोर्थ को देख लेते हैं, आर्जिनिन गैल स्ट्रेप्टोमाइसिन ल्यूसीन मेथियोनिन, तो ये हमारे ऑर्डर को सपोर्ट कर रहा है, हमने भी यही ऑर्डर बनाया, आर्जिनिन गैल स्ट्रेप्टोमाइसिन ल्यूसीन मेथियोनिन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू अबव टेबल जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। इजी है, बस आपको इसको कंपेयर करना होगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो जो जिसके साथ माइनस में है इसका मतलब कि वो उसके साथ शो नहीं कर रहा है, उसके साथ नियरर नहीं है, वो उससे दूर है, डिस्टेंस पे है। और जो प्लस में है यानी कि वो उसके क्लोज में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ए क्रॉस वॉज मेड बिटवीन एच एफ आर मेथियोनिन प्लस आर्जिनिन प्लस ल्यूसीन प्लस और स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव क्रॉस विद एफ माइनस मेथियोनिन माइनस आर्जिनिन माइनस ल्यूसीन माइनस स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट। दोनों को क्रॉस कराया गया, एच एफ आर और एफ माइनस स्ट्रेन को क्रॉस किया, मतलब दोनों क्लोजर हुए, दोनों का कॉन्जुगेशन हुआ होगा, इन विच ल्यूसीन प्लस एक्स कॉन्जुगेट आर सेलेक्टेड, यानी कि ल्यूसीन प्लस को सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट क्या किया गया, यानी कि उस मीडिया में मान लीजिए कि ये पेट्रो डिश थी, उसमें एच एफ आर को एड किया गया, और एफ माइनस को
ऐड किया गया। और इस मीडिया में ल्यूसीन ऐड नहीं किया गया, ठीक है। तो ल्यूसीन नहीं ऐड किया गया तो इसमें सिर्फ वही स्ट्रेन दिखेंगे या वही बैक्टीरिया दिखेंगे जिनके पास ल्यूसीन प्लस होगा, वो नहीं दिखेंगे जिनके पास ल्यूसीन प्लस नहीं होगा, क्योंकि मीडिया में ल्यूसीन है ही नहीं। तो ल्यूसीन जो बना ही नहीं सकता वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, ल्यूसीन जो बनाएगा वही ग्रो कर पाएगा। तो ये सेलेक्ट कर लिया गया कि ल्यूसीन को सिलेक्टेड मार्कर की तरह यूज किया गया, यानी कि सेलेक्टिव मीडिया तैयार किया गया। इफ द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन आर ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन प्लस, मैथ्यूनिन प्लस। अब इन्होंने ये अरेंजमेंट भी बता दिया कि ये अरेंजमेंट है, ल्यूसीन है, उसके बाद आर्जिनिन है, उसके बाद मैथ्यूनिन है, ये अरेंजमेंट है। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी में जाएगा, है ना। तो ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन प्लस और मैथ्यूनिन प्लस, ये इन्होंने दिया हुआ है कि ये अरेंजमेंट है, यानी कि ल्यूसीन प्लस पहले जा रहा है, फिर आर्जिनिन प्लस पहले जा उसके बाद जा रहा है, और फिर मैथ्यूनिन प्लस जा रहा है, और एफ फैक्टर का डायरेक्शन कुछ ये है ल्यूसीन से पहले। तो अगर हम हर बार इंटरप्टेड मीटिंग करवाएं, ओके, मतलब कुछ एक्स कॉन्जुगेंट तैयार करें और 10 मिनट बाद देखें तो हमें कुछ मिलेगा, फिर 20 मिनट बाद देखें तो कुछ मिलेगा, और 30 मिनट बाद देखें तो हमें कुछ मिलेगा, तो हमें क्या मिलना चाहिए। मान लीजिए कि ल्यूसीन और आर्जिनिन के बीच की डिस्टेंस 10 मिनट है, ल्यूसीन से एफ फैक्टर की डिस्टेंस 10 मिनट है, आर्जिनिन से मैथ्यूनिन की डिस्टेंस 10 मिनट है, तो टोटल अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लग गया, 10 मिनट है, तो टोटल अप्रोक्सीमेट टाइम कितना, इट इज 30 मिनट, ओके, यानी कि इन फर्स्ट टाइम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो फर्स्ट टाइम हमें ल्यूसीन मिलेगा। हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है सही से। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है इस टाइम। सर इसको रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन यहाँ से जो लास्ट वाला बताए हैं डिस्टेंस वाला। एक मिनट, चलिए अब आ रही आवाज। हाँ सर, देखिए सर आपकी आवाज म्यूट, हाँ, फिर से बता दे रहा है इसको, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन एचएफआर मेथ प्लस आर्जिनिन प्लस ल्यूसीन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव, इस क्रॉस विद एफ माइनस मेथ माइनस आर्जिनिन माइनस ल्यूसीन माइनस स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, इन विच ल्यूसीन प्लस आर एक्स कॉन्जुगेंट आर सेलेक्टेड। तो हमने इसको एक्सप्लेन अभी किया था कि ल्यूसीन प्लस को सेलेक्ट कैसे किया होगा, इन्होंने ऐसे सेलेक्ट किया होगा कि एक कल्चर मीडिया तैयार किया गया, उस कल्चर मीडिया में ल्यूसीन को नहीं रखा गया,
यानी कि ल्यूसीन माइनस रखा गया। तो होगा क्या कि इस मीडिया में वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनमें ल्यूसीन प्लस होगा, यानी कि जब वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे तो सिर्फ ल्यूसीन प्लस वाले यहां पर हमें कल्चर होंगे, बाकी ल्यूसीन माइनस वाले कल्चर नहीं होंगे। तो इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। तो सेलेक्ट किया गया यहां पर ल्यूसीन को, और ल्यूसीन को इस कल्चर मीडिया में नहीं रखा गया। ओके, तो इसके बाद उन्होंने बताया कि इफ द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन आर ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन प्लस, मेथियोनिन प्लस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने बता दिया कि ये एफ फैक्टर होगा और उसके बाद जो अरेंजमेंट होगा सबसे पहले ल्यूसीन होगा, फिर आर्जिनिन होगा, फिर मेथियोनिन होगा। ओके, तो ये इन्होंने ऑर्डर बता दिया। अब इन ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, किसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, मान लीजिए जो एफ फैक्टर से ल्यूसीन की डिस्टेंस 10 मिनट है, और उसी तरीके से ल्यूसीन से आर्जिनिन की डिस्टेंस 10 मिनट है, उसी तरीके से आर्जिनिन से मिथ्योनिन की डिस्टेंस 10 मिनट है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट इज हो जाएगी 30 मिनट। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब कॉन्जुगेशन हो रहा है तो फर्स्ट टाइम एफ फैक्टर के साथ पहले कौन जाएगा, सबसे पहले ल्यूसीन प्लस जाएगा। सेकेंड टाइम में यानी कि इन 10 मिनट ल्यूसीन प्लस पहुंचा, सेकेंड टाइम में आफ्टर 20 मिनट यानी 20 मिनट में हम जब इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो ल्यूसीन प्लस, फिर आर्जिनिन प्लस, ये हमें 20 मिनट में मिलेगा। थर्ड टाइम में जब हम यानी आफ्टर 30 मिनट देखेंगे इसको, आफ्टर 30 मिनट हमें ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन प्लस और मेथियोनिन प्लस, तो लास्ट टाइम में हमें सारे यानी कि आफ्टर 30 मिनट में हमें सारे मिलेंगे। तो इस तरीके से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए अगर हम इसमें देखें, तो इसमें देखें तो हमारा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाले की, नहीं थर्ड वाले की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन प्लस और मेथियोनिन प्लस ये तो हमें 30 मिनट में मिल रहा है ना, यानी मैक्सिमम टाइम लग रहा है। आपको 10 मिनट में ल्यूसीन प्लस मिल जा रहे हैं, फिर आपको 20 मिनट में ल्यूसीन प्लस और आर्जिनिन प्लस मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम किसमें लग रहा है, ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन प्लस और मेथियोनिन प्लस होने में। ठीक है, तो ये टाइम, जैसे ये कंडीशन तो मिलेगी ही नहीं, ये कंडीशन क्यों इसलिए मिल रही है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो फोर्थ कंडीशन है, ये कंडीशन तो खैर होगी नहीं, इस कंडीशन के लिए तो फिर यहां पर क्रॉसिंग ओवर ही कुछ अलग तरीके से हो तब तो हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर देखें तो हर 10 मिनट में आपको ल्यूसीन मिलेगा, ठीक है, हर 20 मिनट में आपको ल्यूसीन के साथ आर्जिनिन भी मिलेगा, लेकिन हर 30 मिनट में जाके आपको ल्यूसीन, आर्जिनिन, मेथियोनिन तीनों मिलेगा। तो यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, सबसे ज्यादा ल्यूसीन की मिलेगी, उसके बाद फिर उस किसकी मिलेगी, फिर आर्जिनिन की मिलेगी, फिर उसके बाद किसकी मिलेगी, फिर मेथियोनिन की मिलेगी, यानी मेथियोनिन सबसे आखिरी में पहुंच रहा है।
तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब मिल रही है, जब ये तीनों एक साथ जा रहा है, तो तीनों एक साथ तब जाएंगे जब मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम टाइम लगेगा तो यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर हम इस तरीके से देखें। हाँ बताओ सर, लेकिन कैटलिस्ट में आंसर में ऑप्शन डी दे रखा है, इसीलिए कंफ्यूज थे काफी। नहीं, ऑप्शन फोर ही होगा, क्योंकि देखिए हर केस में आपको क्या मिल रहा है, हमने वही बताया ना, क्रॉसिंग ओवर अलग टाइप से होगा तो वो चेंज होगा। ये इस तरीके से हो रहा है, जैसे आर्जिनिन जो सर, आर्जिनिन माइनस में कैसे होगा, बता रहे ना कैसे होगा, ल्यूसीन आर्जिनिन और ये मेथियोनिन, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो और ल्यूसीन आर्जिनिन और मेथियोनिन ये दूसरा है, मेथियोनिन, ओके। तो अब आप देखिए इस तरीके से देखिए, एक तरफ प्लस वाले हैं, ओके, और एक तरफ माइनस वाले हैं। तो जब अगर हम सिंपल देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों हो गए आपस में सामने आए, ये HFR से मिला और ये F- से मिला, ठीक है। ये HFR स्ट्रेन जब F- में गया होगा तो दोनों आमने सामने पहुंचे आफ्टर 30 मिनट, जब पहुंचे तो डबल क्रॉस ओवर हुआ यहां पर, ठीक है। तो डबल क्रॉस ओवर से ये बिल्कुल पलट गए, यानी कि डबल क्रॉस ओवर से अब ये एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है डबल क्रॉस ओवर हो जाए, दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि ल्यूसीन ल्यूसीन के साथ डबल क्रॉस ओवर हो जाए, ओके। तो जब ल्यूसीन ल्यूसीन के साथ डबल क्रॉस ओवर होगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ल्यूसीन, मतलब एफ फैक्टर क्या बनेगा, एफ फैक्टर बनेगा ल्यूसीन प्लस फिर आर्जिनिन माइनस और मेथियोनिन माइनस। सबसे पहले यानी कि 10 मिनट में ये बनेगा, क्योंकि 10 मिनट में सिर्फ ल्यूसीन पहुंच रहा है। सेकंड केस में जब आर्जिनिन भी पहुंच गया तो डबल क्रॉस ओवर यहां पर कहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन प्लस और मेथियोनिन माइनस, ये सेकंड केस में आफ्टर 20 मिनट ये केस मिल रहा होगा। 30 मिनट में जो डबल क्रॉस ओवर हो रहा होगा वो लास्ट पे हो रहा होगा, मतलब अगर हम इसको इस इरेज कर दें इस पोर्शन को और फिर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइन और ये लाइन, तो डबल क्रॉस ओवर इन तीनों के बाद हो रहा है, यानी कि थर्ड केस में हमको ल्यूसीन आर्जिनिन और मेथियोनिन ये सारे प्लस में मिल जा रहे हैं। लेकिन एक चौथा केस भी हो सकता है, चौथा केस क्या हो सकता है कि हमें क्या मिल रहे हैं, हमें चौथा केस मिल रहा है ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन माइनस और मेथियोनिन प्लस, ये क्यों मिल रहा है, ये मिल रहा है जब इसके बीच में भी क्रॉस ओवर हो जाए, यानी कि ल्यूसीन प्लस तो है ही है तो ये प्लस की स्टेज में रहे, लेकिन यहां पर एक क्रॉस ओवर हो जाए और यहां पर एक क्रॉस ओवर हो जाए, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ल्यूसीन प्लस तो आया
लेकिन ये फ्लिप हो गया, आर्जिनिन माइनस में आ जाएगा, ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन माइनस, और मेथियोनिन प्लस। तो ये लास्ट केस ये भी हो सकता है। तो लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, क्योंकि जितने क्रॉसओवर बढ़ते जाएंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये आप यूकैरियोट में पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट में भी सेम ही केस होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर तभी हो रहा है यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ठीक ठाक है, तो इसके बीच में इतना डिस्टेंस है कि ये क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर फोर टाइम क्रॉसओवर हो रहा है, 1 2 3 4 फोर क्रॉसओवर हो रहा है, तो फोर क्रॉसओवर की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज लेस देन थर्ड और इट इज लेस देन सेकेंड। ओके, क्लियर हुआ कि ऐसे कैसे हो रहा है? होगा ये क्लियर यहां से होगा। फोर्थ केस फिर से बता देते सर। अच्छा, इधर से बता देते हैं, ये है फिर से, ये ल्यूसीन प्लस, ठीक है, ये एचएफआर स्ट्रेन को बना रहे हैं, ल्यूसीन प्लस, ये आर्जिनिन प्लस और ये मेथियोनिन प्लस। और ब्लैक वाला इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब इधर नीचे जो ये इसको लिख देते हैं एच एफ आर, ओके, ये स्ट्रेन है एफ माइनस स्ट्रेन जो पहुंचा, जो जिसमें पहुंचाई, तो ये ल्यूसीन माइनस हो गया, ये आर्जिनिन माइनस हो गया। होमोलोगस होंगे तभी एक दूसरे के सामने आएंगे, ठीक है, तो ये मेथियोनिन माइनस हो गया। ओके, अब अगर हम नॉर्मली क्रॉस कराते हैं, डबल क्रॉस ओवर होता है, ये इधर इधर, तो ये जो F- स्ट्रेन है जस्ट फ्लिप कर जाएगा, ल्यूसीन इधर आ जाएगा, आर्जिनिन इधर आ जाएगा और मेथियोनिन इधर आ जाएगा, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यही हो जाए कि इसका क्रॉस ऐसे हो जाए और ये क्रॉस ऐसे हो जाए, तो क्या होगा कि ये मेथियोनिन के साथ सभी प्लस प्लस हो जाए, फिर आर्जिनिन आ जाएगा। अरे ऐसे देखो भाई, ये मेथियोनिन इधर, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे गया, ऐसे और फिर ऐसे, समझे? अगर हम इसको ड्रॉ करने के लिए दूसरी लाइन लेते हैं, चलो ठीक है, रेड ले लेते हैं, तो हमने डबल क्रॉसओवर तरह हर तरफ से करा दिया, तो हमें जब ये फ्लिप होगा तो कैसे फ्लिप होगा? ल्यूसीन प्लस वाला इधर आ जाएगा एफ माइनस के साथ, फिर ऐसे घूमेगा ये, है ना, और फिर ये इधर जाएगा और फिर ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आया क्या हमारे पास फाइनली आया हमारे पास ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन माइनस और मेथियोनिन प्लस। क्योंकि अगर ये बीच में डबल क्रॉसओवर ना होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये फिर जो है ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन प्लस और मेथियोनिन प्लस। और अगर मान लो कि एक ही क्रॉसओवर होता बीच में तो फिर आपको क्या मिलता? तब तो आपको दूसरा मिलता ना, तब आपको मिलता ल्यूसीन प्लस आर्जिनिन माइनस और मेथियोनिन माइनस, तब आपको क्या मिल जाता? ये दोनों माइनस में मिलते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि यहां पर अभी तीन क्रॉसओवर है, लेकिन जो मैक्सिमम क्रॉसओवर क्या है, चार क्रॉसओवर है, तो मैक्सिमम क्रॉसओवर यानी कि फोर क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी सबसे लेस होगी। जैसे हमने यूकेरियोट में पढ़ा कि डबल क्रॉसओवर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो
सबसे कम होगी। आपको दो दिख रहे थे या दस दिख रहे थे या 22 दिख रहे थे, सबसे ज्यादा कौन दिख रहे थे जिनमें क्रॉसओवर नहीं हो रहा था, ओके। उसके बाद फिर सिंगल क्रॉसओवर, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में सबसे ज्यादा आपको डबल क्रॉसओवर देखेंगे, क्योंकि डबल क्रॉसओवर से ही रिकॉम्बिनेशन हो ही सकता है। उसके बाद फिर ट्रिपल दिखेंगे, और फिर कौन से दिखेंगे जिनमें 4 टाइम क्रॉसओवर। तो इसमें 4 टाइम जब क्रॉसओवर होगा तब आपको ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन माइनस और मेथियोनिन प्लस मिलेंगे। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी ल्यूसीन प्लस, आर्जिनिन माइनस और मेथियोनिन प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, टाइम हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, और ये 4 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलाई स्ट्रेन मेट B1 90 मिनट, ल्यूसीन A5 2 मिनट म्यूटेशन, ये दोनों म्यूटेशन है। इट आल्सो STR 73 मिनट म्यूटेशन, TN5 ट्रांसपोसोम विच कॉन्फर स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन 73 है और ये TN, ये क्या है, कैनामाइसिन ट्रांसपोसोम है। ये दो ट्रांसपोसोम है जो कि क्रोमोसोम में इंसर्ट किए गए। द म्यूटेंट स्ट्रेन वर क्रॉस्ड विद एन HFR स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव एंड हिज G2 म्यूटेशन 44 मिनट दैट मेक इट रिक्वायर हिस्टिडीन, ओके। मतलब हिस आएगा तो फिर हिस्टिडीन बनेगा। आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर 100 मिनट द सेल वर प्लेटेड ऑन मिनिमम प्लेट सप्लीमेंटेड विद ल्यूसीन हिस्टिडीन स्ट्रेप्टोमाइसिन टू सेलेक्ट मेट मार्कर। तो मेट मार्कर सेलेक्ट किया गया, यानी कि मेथियोनिन उसमें ऐड नहीं किया गया होगा, ऐड क्या किया गया, ल्यूसीन हिस्टिडीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आफ्टर प्यूरिफाइंग 100 ऑफ द मेथियोनिन प्लस ट्रांस कॉन्जुगेंट वन फाइंड दैट 15 आर हिस प्लस, सॉरी इरेज कर देते हैं, वन फाइंड 15 आर हिस, 2 आर ल्यूसीन और 12 आर कैनामाइसिन सेंसिटिव। द अनसेलेक्टेड मार्कर्स आर मेथियोनिन B1, ल्यूसीन A5, ल्यूसीन A5 एनामाइसिन 5 इंसर्शन म्यूटेशन। ये ए बी दे रखा है उन्होंने और ये सारी चीजें बता रखी है। अब हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रांसपोसोम इंसर्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सबके टाइमिंग क्या है। तो अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो आगे देख लेते हैं, तो देख लेते हैं मेट B1 की टाइमिंग है 90 मिनट, ल्यूसीन A5 की टाइमिंग है 2 मिनट, स्ट्रेप्टोमाइसिन की टाइमिंग है 73 मिनट और हिस्टिडीन की टाइमिंग है 44 मिनट। तो हमने इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर बना लिया, और वो ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले ल्यूसीन होगा, फिर हिस्टिडीन होगा, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर मेथियोनिन। अब उन्होंने बताया कि इंक्यूबेशन ऑफ इकोलाई स्ट्रेन इन 100 मिनट विद HFR strain that is streptomycin and histidine G2 mutation 44 minutes were plated in minimum media supplemented with leucine, histidine and streptomycin. तो जब सप्लीमेंट किसको किया जा रहा है, सप्लीमेंट किया जा रहा है ल्यूसीन को, हिस्टिडीन को और स्ट्रेप्टोमाइसिन को। तो ल्यूसीन, हिस्टिडीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को जब सप्लीमेंट किया जा रहा है तो हमें कैनामाइसिन के भी मिल रहे हैं 12। इसका मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि बोथ ल्यूसीन और कैनामाइसिन इंसर्शन म्यूटेशन जो है वो अनसेलेक्टेड मार्कर है। क्योंकि अगर ल्यूसीन के साथ कैनामाइसिन दिख रहा है, इसका मतलब कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, अपने आप ही आ रहे हैं। अगर सेलेक्ट ही करना होता तो कैनामाइसिन को वो हटाते उसमें मीडिया से। हमसे यही पूछा गया है कि अनसेलेक्टेड मार्कर कौन सा है, तो अनसेलेक्टेड मार्कर हमें इसी में पता चल गया कि रिजल्ट इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब कि ये
हमें अनसेलेक्टेड मार्कर दिखाई दे रहा है। अब पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ ट्रांसपोसोम क्या होना चाहिए, तो पोजीशन ऑफ ट्रांसपोसोम ये है वो बिफोर 44 होना चाहिए, क्योंकि ल्यूसीन के साथ हमें कैनामाइसिन दिख रहा है, इसका मतलब कि वो ल्यूसीन के साथ आपको हिस्टिडीन भी दिख रहा है, इसका मतलब ये कि वो 44 मिनट पहले ही कैनामाइसिन कहीं पर इंसर्ट हो गया होगा, तभी तो ये शो हो रहा है। अगर वो इन दोनों के बाद होता, मान लो यहां पर होता या यहां पर होता, तो ये आफ्टर होता, और आफ्टर होता तो वो ल्यूसीन और हिस्टिडीन के साथ नहीं दिखता, दिख रहा है ल्यूसीन और हिस्टिडीन के साथ, इसका